हाय फ्रेंड्स, मैं संजू। आज मैं आपके लिए बेबी फ्रॉक में बनाकर लाई हूँ, जो आपसे शेयर करूँगी। ये मैं देखिए पूरी सेट में बनाई हूँ, फ्रॉक, कैप और सैंडल के साथ। तो ये मैं फ्रॉक 1 से 2 इयर्स की बेबी के लिए मैं बनाई हूँ, बहुत ही अच्छी साइज आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ में कैप और सैंडल भी मैं बनाई हूँ। इसकी वीडियो मैं बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये सैंडल का भी वीडियो मैं बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, तो आप जाकर देख सकती हैं। देखिए बहुत ही अच्छी सैंडल है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। और फ्रेंड्स मैं ये फ्रॉक में आपको बनाना बताऊँगी है। तो ये फ्रॉक की वीडियो मैं 2 पार्ट में मैं बना रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको ऊपर की मैं बेस में बनाना बताऊँगी, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मैं ऊपर की चोली में बनाना बताऊँगी। सेकंड पार्ट में आपको ये नीचे की घेरे में बनाना बताऊँगी। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पार्ट की वीडियो। इसके लिए मैं देखिए व्हाइट कलर का ऊन ली हूँ मैं, और 11 नंबर के मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। ऊन के थिकनेस के अकॉर्डिंग आप क्रोशिया यूज करें। तो पहले देखिए इस तरह से मैं गांठ लगा लूँगी, इसके बाद मैं चेन बनाऊँगी। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, तो सेम इसी तरह से मैं 72 चेन में बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 72 चेन में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चेन छोड़कर फोर्थ चेन में मैं क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। दोबारा देखिए सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट जो चेन है, फिफ्थ चेन, उसमें मैं क्रोशिया डालूँगी और 1 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट जो चेन है उसमें मैं क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1, 2। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन रही है। देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए ये फर्स्ट रो में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए सेकंड रो में मैं रेड कलर का ऊन में ज्वाइन कर लूँगी, इस तरह से गांठ लगाकर मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1, 2, 3, और क्रोशिया मैं देखिए बैक साइड से मैं डालूँगी। देखिए इस तरह से बैक साइड से इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए दोबारा सेम उसी तरह से बैक साइड से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बैक साइड से, सेम इसी तरह से बनेगी। तो सेकेंड रो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए सिर्फ इतनी ध्यान रखनी, देखिए बैक साइड से इस तरह से मैं क्रोशिया डाल रही हूँ, डबल क्रोशिया में, डबल क्रोशिया में इस तरह से बना रही हूँ। देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से दिख रही है, बैक साइड से इस तरह से डिजाइन बन रही है पैटर्न है। तो फ्रंट साइड है, सेम इसी तरह से बनाते हुए सेकेंड रो में कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे फ्रॉक की मैं डिज़ाइन बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बैक साइड से मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन ज्वाइन कर लूँगी, 3 चेन बना लूँगी, 1,
टू थ्री। और इसके बाद देखिए फ्रंट साइड से मैं क्रोशिया डालूंगी इस तरह से और डबल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो देखिए थ्री डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट में चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया में बनाऊंगी, दोबारा सेम इसी में क्रोशिया डालूंगी इस तरह से, वो डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो देखिए इस तरह से बन रही है, इस तरह से मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट वाला में वन डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन है उसमें भी वन डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इसे मैं चेन ही काउंट करूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं टू डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए वन, दोबारा मैं सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और टू डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो जैसे कि टू चेन में वन वन डबल क्रोशिया में बना रही हूँ और थ्री चेन में टू डबल क्रोशिया बना रही हूँ, तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं थर्ड रो में पूरी कंप्लीट कर लूँगी। और इसकी नेक्स्ट टू रो में सारे चेन में सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूँगी वन डबल क्रोशिया, जैसे कि मैं रेड कलर से सेकेंड रो में बनाई हूँ, सेम उसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ रो बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। मैं कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स फोर्थ और फिफ्थ रो में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ, जैसे कि मैं सेकेंड रो बनाई थी सेम उसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ रो में बनाई हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में मैं फंदे बढ़ाई थी, सेम उसी तरह से मैं सिक्स्थ रो में फंदे में बढ़ाऊंगी। देखिए उसी तरह से सिक्स्थ रो में फंदे में बढ़ाऊंगी और फोर्थ और फिफ्थ रो में सेकेंड रो की तरह मैं बनाई हूँ। देखिए सारे चेन में वन डबल क्रोशिया में बनाई हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बना लूंगी रेड कलर से। इसके बाद थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री, और देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी फ्रंट साइड से और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में भी सेम उसी तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से, और यहाँ पे मैं टू डबल क्रोशिया बनाऊंगी, वन, दोबारा देखिए सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से टू डबल क्रोशिया हो गई है, इस तरह से फंदे बढ़ रही है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट फोर चेन में वन डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए वन टू थ्री फोर, इसकी नेक्स्ट फोर चेन में वन डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए फाइव चेन में टू डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए वन, दोबारा मैं सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो देखिए इस तरह से टू डबल क्रोशिया हो गई है। तो सेम इसी तरह से मैं बनाते हुए मैं सिक्स्थ रो में कंप्लीट कर लूंगी और इसकी नेक्स्ट टू रो और मैं सिर्फ वन डबल क्रोशिया में बनाते हुए कंप्लीट करूंगी, जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ रो में बनाई थी सेम उसी तरह से सेवन्थ और एट्थ रो में बनाऊंगी। ये पूरी एट्थ रो में बनेगी। देखिए मैं रेड कलर से सिक्स्थ रो बना रही हूँ, इसकी नेक्स्ट व्हाइट और रेड कलर से वन डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, इसकी नेक्स्ट मैं एट्थ रो तक पूरी कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी एट्थ रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से इसे बन गई है। देखिए सेवन्थ और एट्थ रो में वन डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट की हूँ, फंदे में नहीं बढ़ाई हूँ यहाँ पे।
और फ्रेंड्स मैं बहुत सारे फ्रॉक की वीडियो में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, तो प्लीज आप जाकर जरूर देखिए, शायद आपको कोई भी डिजाइन आपको पसंद है। देखिए इस तरह से मैं 2 रो में कंप्लीट कर ली हूँ, तो ये पूरी 8 रो हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे गले और बाजू का मैं शेप में निकालूंगी। अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहती हैं तो बहुत आसानी से बना सकती हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं जो चेन रखी हूँ आप वो चेन बढ़ा लेंगी, और बाकी जैसे मैं फंदे बढ़ाई हूँ सेम उसी तरह से बना लेंगी, तब ये साइज बहुत बड़ी बनेगी। जितनी बड़ी बनाना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, आप अपने बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग। जो लास्ट रो में जो रेड कलर से मैं बनाई हूँ इसे मैं काउंट करूंगी, तो ये काउंट मैं कर ली हूँ 158 डबल क्रोशिए हैं। जैसे मैं देखिए अब बाजू का शेप अलग में निकालूंगी और नीचे घेरे के लिए अलग में निकालूंगी। ओके फ्रेंड्स, मैं काउंट करने के बाद देखिए मैं पिन में लगा ली हूँ, तो ये बाजू है, बाजू साइड में दोनों साइड में मैं 39 चेन में रखी हूँ, और फ्रंट और बैक साइड में 40 चेन में रखी हूँ। देखिए दो नो साइड से बाजू है, तो यहाँ पर मैं 39 चेन में रखी हूँ। तो इसी तरह से आप भी जब फ्रॉक बनाती हैं छोटी या बड़ी, तो पहले काउंट करके और फ्रंट साइड और बैक साइड इस तरह से पिन मार्क लगा लें, पिन लगा कर, जिससे कि आपका बाजू और फ्रंट बैक साइड का शेप अच्छी बनेगी। चैन अगर आप कम बेसी कर लेंगी तो साइज आपका नहीं अच्छी होगी, फिनिशिंग नहीं अच्छा बनेगी। तो देखिए फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, तो दे देखिए दोनों साइड बाजू है, और देखिए जिस साइड खुला है ये बैक साइड है, तो बैक साइड 20-20 दोनों साइड में रखी हूँ, तो 40 हो गई है। तो इसके बाद देखिए वाइट कलर से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ पर मैं क्रोशिया डालूँगी और वाइट कलर से इस तरह से देखिए ज्वाइन कर लूँगी दोनों साइड से। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच निकाल लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चेन बना लूँगी, 1, 2, 3। इसके बाद देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी फ्रंट साइड से और डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से मैं इसकी नेक्स्ट चैन में भी इसी तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से बन रही है सेम इसी तरह से, यहाँ तक मैं पूरे 20 डबल क्रोशिए में इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी, जिससे कि 20 चैन में। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक मैं पूरी 20 डबल क्रोशिए में बना ली हूँ, ये बैक साइड की है, तो बैक साइड से दोनों साइड में 20-20 रखी हूँ, तो 40 हो गई है पूरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी जहाँ पे मैं पिन में लगाई हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से क्रोशिए डालूँगी, ये पिन को मैं निकाल लूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिए बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी, और इसकी नेक्स्ट चैन में भी इसी तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैं पूरी 40 डबल क्रोशिए बना लूँगी, यहाँ से यहाँ तक मैं 40 में रखी हूँ, ये फ्रंट साइड की है, तो 40 डबल क्रोशिए इस तरह से मैं बना लूँगी। यहाँ देखिए इस तरह से बन रही है, तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके इसके बाद में जैसे कि मैं एक साइड में बाजू ज्वाइन की हूँ सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं बाजू ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से ये शेप बन गई है, ये फ्रॉक के ऊपर की चोली है, देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर मैं बटन लगा लूँगी, और देखिए जैसे कि मैं एक साइड में आपको बाजू ज्वाइंट करते हुए मैं दिखाई थी सेम उसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी मैं ज्वाइंट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर से मैं बनाऊंगी, यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं रेड कलर में लाऊंगी, और देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया पहले बना लूंगी।
इसके बाद मैं 3 चैन यहाँ पे बनाऊंगी, 1, 2, 3। इसके बाद देखिए इस तरह से मैं कुर्सी डालूंगी और डबल कुर्सी बनाऊंगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चैन में भी मैं इस तरह से कुर्सी डालूंगी, डबल कुर्सी बनाऊंगी। देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से मैं कुर्सी डाल रही हूँ, डबल कुर्सी बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरे राउंड कंप्लीट कर लूँगी। और जैसे कि मैं वाइट कलर से बनाई हूँ और रेड कलर से मैं बना रही हूँ, तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी 5 रो कंप्लीट कर लूँगी। ये जो वाइट कलर है यहाँ से मैं काउंट करूँगी, यहाँ से मैं पूरी 5 रो में कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से बनाते जानी है, चैन नहीं बढ़ानी है फंदे, सिर्फ मैं डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी 5 रो में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5 रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद नीचे की मैं घेरे बनाऊंगी। तो घेरे बनाने के लिए मैं यहाँ पे फंदे में बढ़ाऊंगी चैन। पहले 3 चैन बना लूँगी यहाँ पे। इसके बाद देखिए चैन में मैं इस तरह से क्रोशिया डालूंगी सेम उसी जगह पे, और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट जो चैन है फर्स्ट चैन, उसमें मैं क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसकी नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1, दोबारा मैं सेम उसी जगह पर क्रोशिया डाली हूँ, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसकी नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए दोबारा मैं इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। जैसे कि 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरा चेन में 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रही है। इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी। और देखिए फर्स्ट चैन में मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी, सेकंड चैन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए थर्ड चैन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसी के सारे चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट करूंगी, इसमें मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। ये घेरे की देखिए सेकंड रो है, फर्स्ट रो में मैं बनाई थी, सेकंड रो में अभी बना रही हूँ, तो इसमें मैं चैन नहीं बढ़ाऊंगी। तो देखिए मैं सेकंड रो में कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं 3 चैन में बना ली हूँ। और देखिए यहाँ पर क्रोशिया डालूंगी फर्स्ट चैन में और डबल क्रोशिया बनाऊंगी, सेकेंड चैन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, थर्ड चैन में मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, तो देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गई है। स्टार्टिंग में 3 में चैन बनाई हूँ तो भी 1 डबल क्रोशिया के बराबर होती है। और 5 चैन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1, दोबारा सेम उसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद इसकी नेक्स्ट 4 चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं बना लूँगी, पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। जैसे कि 4 चैन में 1 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, 5 चैन में 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स ये फ्रॉक का वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं ऊपर के चोली में बताऊंगी और सेकंड पार्ट में नीचे के घेरे में बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 3 रो व्हाइट कलर से पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड पार्ट में आपको नीचे के घेरे में बनाना बताऊँगी। घेरे में रोज़ फ्लावर और लिप्स के मैं डिज़ाइन डालूँगी, तो उसे मैं सेकेंड पार्ट में आपको बनाना बताऊँगी।
तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।